नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर के ताल्लुक में। मैं गौरव रंजन स्वागत करता हूं आपका अपनी भूगोल की कक्षा में। हम लोग विश्व मानचित्र पढ़ रहे थे, विश्व भूगोल पढ़ रहे थे, वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे। उसी वर्ल्ड मैप में मैंने आपको उत्तर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समझा दिया था। आज एक नया टॉपिक है और अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका। तो आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बेसिकली एक दो चीजें हैं जिनको आप पहले ही जान लीजिएगा, हालांकि मैंने इस चीजें पहले भी समझाई हैं, एक बार पुनः समझा दे रहा हूं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आपके तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत, आपकी तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होगा कर्क, मकर और विषुवत तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं इस महाद्वीप से। महाद्वीप का नाम क्या है? तो अफ्रीका। दूसरी बात यह है कि अफ्रीका महाद्वीप आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक प्रकार से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। यहाँ पर राजनीति में आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर उत्पादन कम होने कारण भुखमरी के लोग शिकार हैं, कुप्रथाएं हैं, सामाजिक कुप्रथाएं हैं, धार्मिक कुप्रथाएं हैं। इसी कारण इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अंध महाद्वीप, अंधेरा महाद्वीप। तो इस महाद्वीप को नाम दे दिया गया अंध महाद्वीप। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर। दूसरी बात, यह महाद्वीप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ होने के कारण नाम दे दिया गया अंध महाद्वीप। अंग देखते हैं, आप देख रहे हैं अफ्रीका है। अफ्रीका के जो ऊपर वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? तो इस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप अफ्रीका के ऊपर यूरोप है और यहां पर जो पानी है इस पानी का नाम है मेरिडियन सी, भूमध्य सागर। मतलब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, ऊपर वाली दिशा उत्तर, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य में भूमध्य सागर है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक ना। यहां पर एक जलसंधि है। क्या है? यहां पर एक जलसंधि है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहां पर लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तर अटलांटिक महासागर, यहां पर लिखा है भूमध्य सागर। यदि आपको उत्तर अटलांटिक महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर आना है जल माध्यम से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक जलसंधि को पार करना पड़ेगा और इस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जलसंधि। तो पहला पॉइंट हमारे हुआ कि यहां पर एक जलसंधि है और इस जलसंधि का नाम क्या है? तो जिब्राल्टर। यहां पर एक जलसंधि है और जलसंधि का जो नाम है, जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि है तो जिब्राल्टर जलसंधि करती क्या है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ रही? भूमध्य सागर से जोड़ती है। यदि आपको जल के माध्यम से अटलांटिक से भूमध्य सागर आना है तो किस जलसंधि को पार करना पड़ेगा? जलसंधि को पार करना पड़ेगा जिब्राल्टर को, भूमध्य सागर। अगर जिब्राल्टर जलसंधि हमेशा जलसंधि दो जल के भागों को जोड़ेगी और दो धरातल के भागों को अलग करेगी, दो जल के भागों को जोड़ेगी और दो धरातल के भागों को अलग करेगी, तो दो जल के भाग कौन से हैं? तो एक का नाम है अटलांटिक और दूसरा का नाम है भूमध्य। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, जबकि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप यहां इस जलसंधि के ऊपर यूरोप है और नीचे है अफ्रीका, तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली चैनल या स्ट्रेट, वाटर स्ट्रेट या जलसंधि का नाम बताइएगा? तो जिब्राल्टर। और यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली सागर का नाम बताइए? भूमध्य सागर। सागर पूछे तो भूमध्य सागर,
और जल संधि पूछे तो जिब्राल्टर। तो अब पूरा सुन लीजिएगा जो अभी तक पढ़ा है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, जबकि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, पहली बात, ठीक ना। अब हम लोग आ गए भूमध्य सागर। यदि भूमध्य सागर से यहां पर हमने यहां पर इजिप्ट यानी मिस्र देश, यहां पर एक नहर बनाई गई और एक नहर बनाई गई है यहां पर, और इस नहर का नाम है स्वेज। नहर का नाम क्या है? तो इस नहर का नाम है स्वेज नहर। तो जो आपकी स्वेज नहर है, ऊपर है भूमध्य सागर, नीचे है लाल सागर। तो जो स्वेज नहर है, या स्वेज नहर क्या करती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, आपको याद रखना है। स्वेज नहर एक ऐसी नहर का नाम बताइएगा जो भूमध्य सागर, यदि आपको भूमध्य सागर से लाल सागर आना है तो किस नहर को पार करना पड़ेगा? स्वेज नहर को पार करना पड़ेगा, स्वेज नहर। अब स्वेज नहर की इस साइड है भूमध्य सागर और यहां पे कौन सा है? तो यहां पे है रेड सी, लाल सागर। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहां का जो भाग है इसका नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? यहां पर एशिया, और यहां पर जो भाग है इसका नाम है अफ्रीका। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से तो जोड़ती है, लेकिन एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग भी करती है। एशिया महाद्वीप से किसको अलग करती है? तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग भी करती है। यहां पर स्वेज नहर, स्वेज नहर की इस साइड है एशिया और स्वेज नहर की इस साइड कौन सा है आपका? अफ्रीका। अब स्वेज नहर के माध्यम से हम आ गए लाल सागर। जो यहां पर आपको ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये लाल सागर है। लाल सागर से जब आपको यहां पर एक नाम दिख रहा है हिंद महासागर, यदि लाल सागर से आपको हिंद महासागर आना है तो यहां पर एक जलसंधि है, यहां पर जहां पर मैं डार कर रहा हूं, इस जलसंधि का नाम है वाव अल मंदे, बाब अल मंदे जलसंधि। तो जो आपकी बाब अल मंदे जलसंधि है, यह जलसंधि क्या करती है? तो यह जलसंधि करती यह है कि यहां पर है लाल सागर, ऊपर लाल सागर को किससे जोड़ देती है? हिंद महासागर से। लाल सागर को किससे जोड़ देती है? हिंद महासागर से, ठीक ना। हिंद, हम लोग कहां पर आ गए? हम लोग आ गए हिंद महासागर। अब देखो, हम चले सबसे ऊपर से, तो सबसे ऊपर है अटलांटिक महासागर। सबसे ऊपर यहां पर है अटलांटिक। आप अटलांटिक महासागर से चले, पानी की बात हो रही है, जल में। अटलांटिक महासागर से जब हम आगे बढ़े, तो अटलांटिक महासागर से जब आप भूमध्य सागर में आएंगे, कहां पर आएंगे? तो अटलांटिक महासागर से जब आप भूमध्य सागर में आएंगे तो आपको एक जलसंधि को पार करना पड़ेगा, और जिस जलसंधि को पार करना पड़ेगा उसका नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जलसंधि। तो मैं शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं आपके लिए। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम, तो जोड़ने वाली जलसंधि का नाम जिब्राल्टर। अब भूमध्य सागर से यदि आपको लाल सागर आना है, भूमध्य सागर से यदि आपको कहां आना है, तो भूमध्य सागर से यदि आपको लाल सागर आना है तो आपको एक नहर पार करनी पड़ेगी, और इस नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, कब इसका निर्माण हुआ, ये आपको पता लगाना है, ये आपका होमवर्क है। लाल सागर, अब लाल सागर से यदि आपको हिंद महासागर आना है, लाल सागर से कहां आना है, तो लाल सागर से यदि आपको आना है हिंद महासागर, तो लाल सागर से जब आप हिंद महासागर आएंगे तो आपको एक जलसंधि पार करनी पड़ेगी, बाव अल मंदे। कौन सी जलसंधि? बाव अल मंदे जल संधि, ठीक ना। आप जानते हैं हिंद महासागर अगर हम पूरा मैप बनाए, तो यहां पर हिंद महासागर में यहां पर हमारा भारत देश है, यहां पे हमारा कौन सा देश पड़ेगा? भारत। अगर पूरा मैप ऐसा, तो अटलांटिक से यदि आपको हिंद महासागर आना है, तो अटलांटिक से सबसे पहले चलेंगे हम स्वेज, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से स्वेज नहर, स्वेज नहर से लाल सागर, लाल सागर से बाब अल मंदे जलसंधि, और बाब अल मंदे जलसंधि से हिंद महासागर, और हिंद महासागर से भारत, स्पेन, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था?
पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल यहां पर ये है। जब वास्को डी गामा भारत आया तो वास्को डी गामा इस मार्ग से भारत आया, ऐसा हिंद महासागर से होते हुए भारत। उसको पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा। ये दूरी बहुत ज्यादा थी यूरोप के निवासियों के लिए भारत आने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था। अब जब जिब्राल्टर और सुएज नहर का निर्माण हो गया, अब ये लोग क्या करते हैं या क्या करते थे, तो पुर्तगाल से सीधा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से सुएज नहर, सुएज नहर से लाल सागर, बाबल मंदिर जनसंधि, हिंद महासागर, और हिंद महासागर से कहां भारत, हिंद महासागर से कहां भारत। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि यूरोप और एशिया, नॉट अफ्रीका, एशिया, क्योंकि अफ्रीका का तो यही है, यूरोप के जस्ट नीचे अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका के मध्य की जो व्यापारिक या समुद्री दूरी थी वह किन दो जल संधियों के द्वारा कम हो गई है। तो दो जल संधि कौन सी है वो, तो एक का नाम जिब्राल्टर, दूसरे का नाम बाब अल मंदे जल संधि। दूसरा क्वेश्चन, अफ्रीका सॉरी यूरोप और एशिया के मध्य की समुद्री दूरी किस नहर के द्वारा कम हो गई है, तो कौन सी नहर के द्वारा, भूम सुएज नहर के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति यूरोप से भारत आना चाहता है या यूरोप से एशिया की यात्रा करता है जलमार्ग के द्वारा, तो उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से सागरों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो एक सागर किस सागर से होकर गुजरना पड़ेगा, भूमध्य सागर, और दूसरा लाल सागर। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति यूरोप से एशिया आना चाहता है तो कौन से दो महासागर पार करने पड़ेंगे, अटलांटिक और हिंद महासागर। समझ पाए बात, इतने सारे प्रकार से क्वेश्चन ये मैप से बन सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इतनी बात समझ में आई, तो जो जल संधि और नहरें थी वो हमने एक बार में आपको समझा दी। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। देखिएगा, अब मैं आपको मैपिंग करा रहा हूं। यहां से यहां पर एक देश है मोरक्को, मोरक्को के बाद एक देश है अल्जीरिया, मोरक्को के बाद एक देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया के ऊपर यहां पर एक देश है ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया के आगे एक देश है लीबिया, लीबिया के आगे एक देश है इजिप्ट, इजिप्ट के नीचे एक देश है सूडान, सूडान की बाजू में यहाँ पे है इरिट्रिया, इरिट्रिया के नीचे इथोपिया, इथोपिया के बाजू में सोमालिया, सोमालिया के नीचे आइएगा तो केन्या, केन्या के नीचे तंजानिया, तंजानिया के नीचे आइएगा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के नीचे आइएगा तो दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से ऊपर जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर देखिएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना के ऊपर देखिएगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के ऊपर देखिएगा जाम्बिया, जाम्बिया के ऊपर देखिएगा कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाजू में देखिए तंजानिया, तंजानिया के ऊपर देखिएगा युगांडा, और युगांडा के बाजू में केन्या, ठीक है ना। और ऊपर जाइएगा तो सूडान, और सूडान के ऊपर इजिप्ट। अगला चक्कर मारते हैं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर नामीबिया, नामीबिया के ऊपर अंगोला, अंगोला के ऊपर कौन सा है, कांगो राज्य, उसके बाद में यहाँ पर है गैवन, यहाँ पर एक देश है कैमरून, कैमरून के आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका है, उसके बाद यहाँ पे चाड है, चाड के ऊपर नाइजर है, नाइजर के आगे माली है, माली के आगे मारिटानिया है, ठीक ना। नीचे बढ़ जाते हैं तो नाइजीरिया, नाइजर के नीचे नाइजीरिया है, और नाइजीरिया के नीचे यहाँ पे छोटे छोटे से कंट्री है। तो एक बार इसी प्रकार जिस प्रकार हमने मैप को अध्ययन कराया है, एक बार ऐसे आपको मैप का अध्ययन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं अभी मैं समझाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, यहां से बढ़ते हैं मोरक्को देश। यहां पर एक देश है, देश का नाम है मोरक्को, हम फिजिकल वाले मैप में आपको दिखाते हैं मोरक्को देश। मोरक्को यहां पर है, ये है मोरक्को, यहां पर जहां पर ये मोरक्को देश है, इस मोरक्को देश में यहां पर एक पर्वत है, जो यहां पर एक जो बनाए हम ब्लैक कलर से, यहां पर एक देश है, देश का नाम है मोरक्को, और मोरक्को देश में एक पर्वत है, देश का नाम है मोरक्को, और मोरक्को देश में एक पर्वत है, पर्वत का नाम है एटलस पर्वत, पर्वत का नाम क्या है, एटलस पर्वत, और जो एटलस पर्वत है यह एक नवीन मोरदार पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत।
तो अफ्रीका महाद्वीप का नवीन मोड़दार पर्वत का नाम बताएं, तो अफ्रीका महाद्वीप के नवीन मोड़दार पर्वत का नाम है एटलस। दो तीन देशों में फैला है, पश्चिमी सहारा में है, मोरक्को में है। तो आपको मोरक्को याद रखना है, क्योंकि एक ही पूछा जाता है कि एटलस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, तो आपको याद रखना है मोरक्को देश में। अब ये जो मोरक्को पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, इसकी कोई ना कोई सबसे ऊंची चोटी होगी। तो मोरक्को की जो एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ग्रेट एटलस। क्या नाम है? तो इसका नाम है ग्रेट एटलस। ये बात आपको याद रखनी है। मोरक्को में, यहां पर पश्चिम दिशा में मोरक्को में एक पर्वत है, और मोरक्को में जो पर्वत है उसका नाम है एटलस। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ग्रेट एटलस। मोरक्को के आगे बढ़ते हैं फिजिकल वाले मैप में, पॉलिटिकल वाले मैप में देखिएगा। मोरक्को के आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश मिलेगा अल्जीरिया, एक मिलेगा लीबिया, लीबिया के आगे एक देश मिलेगा इजिप्ट। इजिप्ट यानी कौन सा देश? मिस्र। इजिप्ट यानी कौन सा देश? मिस्र। तो यहाँ पे देश है, देश का नाम है मिस्र। जो मिस्र देश है, यह जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर नाइजीरिया है, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। आपको जनसंख्या मुझे नहीं समझाना, यहां की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। अफ्रीका देश में यदि किसी देश का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, तो उस देश का नाम है मिस्र। मिस्र देश का जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। अब देखिएगा ये जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है कि दर वर्ष बदलता रहता है, तो परिवर्तित होता रहता है। यहाँ की जो राजधानी है मिस्र की, मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी का डेल्टा क्षेत्र है। नील नदी यहाँ से होकर बहती है, नील नदी यहाँ पर होकर बहती है, आपको याद रखना। जनसंख्या घनत्व याद रखना है, सर्वाधिक घना शहर याद रखना है काहिरा, ठीक ना। अगर अब मिस्र के आगे बढ़ते हैं तो मिस्र के आगे यहाँ पे सूडान है, सूडान के आगे यहाँ पे इथोपिया है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है, देश का नाम है जिबूती। यहाँ पर एक छोटा सा देश है और इस देश का नाम है जिबूती। जो जिबूती देश है, जिबूती देश में एक झील है, और जिबूती देश में जो झील है वो झील का नाम है असल झील। जिबूती देश में जो झील है वो झील का नाम है असल झील। और जो यह असल झील है आपकी, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील तो अफ्रीका की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम है असल झील। कौन सी झील है? असल झील है, अफ्रीका की सबसे गहरी झील असल, ठीक है, हो गया। तो असल, अब इसके अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक देश है केन्या, और केन्या देश से एक रेखा गुजरती है विषुवत रेखा। केन्या देश से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत। केन्या देश में एक पर्वत है और पर्वत का नाम है माउंट केन्या। केन्या देश में एक पर्वत है, पर्वत का नाम है माउंट केन्या पर्वत। माउंट केन्या पर्वत के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, तो माउंट केन्या पर्वत के ऊपर से पर्वत है, और पर्वत के ऊपर से एक रेखा गुजरती है, रेखा का नाम है विषुवत रेखा। अब से पूछा जाता है विश्व के एक ऐसे पर्वत का नाम बताइएगा जिसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, तो आपको नाम याद रखना है माउंट केन्या, केन्या देश में है। केन्या देश के नीचे यहाँ पे तंजानिया देश है। कौन सा देश है? तंजानिया। तो केन्या और तंजानिया देशों की बाउंड्री पर, दोनों की सीमा पर एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम जो है आपको मैप मिला लेना, मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों की सीमा पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है किली मंजारो।
किलिमंजारो पर्वत या किलिमंजारो चोटी बोलते हैं। पर्वत का जो सबसे ऊंचा भाग होता है उसको चोटी बोलते हैं। तो केन्या और तंजानिया देशों की सीमा पर एक चोटी है, एक पर्वत है जिसका नाम है किलिमंजारो चोटी। और ये किलिमंजारो जो चोटी है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो चोटी। कौन सी चोटी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो चोटी। अफ्रीका महाद्वीप के नीचे आइएगा तो अभी नीचे छोड़ दीजिएगा और नीचे आइएगा तो यहां पर एक देश है अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश का नाम बताइएगा तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में यहां पर एक शहर है और इस शहर का नाम है केप टाउन। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम शहर का नाम बताइएगा तो केप टाउन। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम शहर, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम शहर है उस शहर का नाम है केप टाउन। यहां पर है तो एक यहां पर शहर है, इस शहर का नाम है केप टाउन है। क्या नाम है इसका? केप टाउन। यहां पर मिस्र की राजधानी है और मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो केप टाउन से मिस्र की राजधानी काहिरा तक, केप टाउन से मिस्र की राजधानी काहिरा तक, यानी केप टाउन से कहां जा रहे हैं? काहिरा। तो केप टाउन से मिस्र की राजधानी काहिरा तक एक रेल चलती है। क्या चलती है? एक रेल चलती है। इस रेल का नाम क्या है? कैप कैरो रेल। क्या नाम है? कैप कैरो रेल। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कैप कैरो रेल किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो केप टाउन से काहिरा। अगर केप टाउन पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में है और काहिरा पूछे तो आपका मिस्र में है। नाम कैसे पड़ा? केप टाउन का हमने केप ले लिया और काहिरा, काहिरा को इंग्लिश में कैरो बोलते हैं तो हमने ट्रेन का नाम रख दिया कैप कैरो रेल। जैसे आप अपने यहां देखते हैं भारत देश में लखनऊ, लखनऊ कानपुर इंटरसिटी, लखनऊ गाजीपुर या इलाहाबाद गाजीपुर एक्सप्रेस, तो इलाहाबाद से कहां तक जा रही है? गाजीपुर, इसलिए हमने नाम रख दिया इलाहाबाद गाजीपुर एक्सप्रेस। वैसे यहां पर है कहां से कहां तक जा रही है? केप टाउन। और केप टाउन से कहां तक जा रही है? काहिरा। हमने नाम रख दिया कैप कैरो रेल। क्या नाम रख दिया? कैप कैरो रेल। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है कैप कैरो रेल। ठीक है ना, इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए आगे देखिएगा, जैसे ही आप दक्षिण अफ्रीका में आगे बढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका, जैसे ही केप टाउन से आपको हमने रेल में बिठा दिया, ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में आपको दो इंपॉर्टेंट जंक्शन मिलेंगे। एक का नाम है किम्बरले, दूसरे का तो नाम आप बड़े बखूबी सुने होंगे, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग नाम सुने ना? जोहान्सबर्ग स्टेडियम है, मैच होते हैं जोहान्सबर्ग। तो जैसे ही यहां से केप टाउन से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको दो शहर मिलेंगे, एक का नाम है किम्बरले और एक का नाम है जोहान्सबर्ग। जो आपका किम्बरले है, किम्बरले हीरे के लिए जाना जाता है, हीरा का भंडार पाए जाते हैं, हीरे का भंडार। जबकि आप जोहान्सबर्ग में देखेंगे तो जोहान्सबर्ग में सोना के पर्याप्त भंडार है, सोना पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले शहर आपको याद होगा, मैं जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा था जब मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में एक पठार है जिसका नाम है किम्बरली पठार। कौन सा पठार है? किम्बरली। यहां पर है किम्बरले शहर, किम्बरले शहर वहां पर किम्बरली पठार था। तो किम्बरली जो शहर है वो हीरा भंडार के लिए जाना जाता है, जबकि जो जोहान्सबर्ग है वो सोना के लिए। बात करें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम है प्रिटोरिया और यहां पर दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग, जो किसके लिए जाना जाता है? सोना के लिए जाना जाता है। जबकि दूसरा शहर है, उस शहर का नाम है किम्बरले, जो हीरा के लिए जाना जाता है। यहीं पर साउथ अफ्रीका में यहां पर एक पर्वत है और जो पर्वत है, पर्वत कई बार पूछा गया है, पर्वत यहां पर एक पर्वत है
और ये पर्वत कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पर्वत है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ड्रेकेंसबर्ग पर्वत का नाम है, ड्रेकेंसबर्ग। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। और ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहां पर है, तो यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत आपका दक्षिण अफ्रीका में, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ड्रेकेंस पर्वत के बारे में, तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत आपका दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो बोत्सवाना है, बोत्सवाना के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक दरार नुमा आकृति है, यहां पर एक दरार नुमा आकृति है, दरार है बीच में, इस दरार नुमा आकृति को एक नाम दिया गया भ्रंश घाटी, एक दरार नुमा आकृति है और इस दरार नुमा आकृति का नाम है भ्रंश घाटी, अफ्रीका की ग्रेट भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी बोलते हैं, अफ्रीका में है। दरार का मतलब है कि जब अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भाग है, तब जब गोंडवाना लैंड से टूटा, तो टूटने के बाद जब कोई चीज आप तोड़ते हैं झटके के साथ, फोर्स के साथ टूटती है, तो बीच में ब्रेक हो जाती है, दरार पड़ जाती है, ये दरार है। और इस दरार में मुख्य रूप से तीन झीलें पाई जाती है, यहाँ पे तीन बड़ी बड़ी झीलें हैं, आपको तीनों झीलों के नाम याद रखने हैं। एक झील का नाम है मालावी झील, मालावी झील, दूसरी झील का नाम है टैंगनाइका झील, टैंगनाइका झील, और तीसरी झील का नाम जो यहां पर है इसका नाम है विक्टोरिया। तीसरी झील का नाम क्या है, तो तीसरी झील जो यहां पर है ये झील का नाम है विक्टोरिया। तो जो भ्रंश घाटी है ये तीनों के तीनों भ्रंश घाटी में है, भ्रंश घाटी, ग्रेट भ्रंश घाटी या अफ्रीकन भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में स्थित है। कौन सी तीन झीलें हैं जो भ्रंश घाटी में है, तो एक का नाम विक्टोरिया, दूसरे का नाम टंगनाइका और तीसरे का नाम मालावी। आप जैसे जैसे विक्टोरिया से मालावी झील की ओर जाएंगे तो इन झीलों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या आती जाएगी, तो इन झीलों के क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी, क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। यानी भ्रंश घाटी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से छोटी टंगनाइका और टंगनाइका से छोटी मालावी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भ्रंश घाटी में कौन कौन सी झीलें हैं, तो तीन है, मालावी, विक्टोरिया और टंगनाइका। दूसरा इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया और भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील मालावी, एक का नाम विक्टोरिया और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम मालावी। अब विक्टोरिया झील के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो हेडिंग लगाइएगा विक्टोरिया और विक्टोरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए विक्टोरिया देखिएगा थोड़ा सा यहां पर अच्छे से, यहां पर है आपकी विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया, तो मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है विक्टोरिया झील, क्या नाम है, विक्टोरिया झील, ये मान लीजिएगा आपकी विक्टोरिया झील। सबसे पहले तो विक्टोरिया झील किन तीन देशों पर फैली है, तीन देशों की बाउंड्री पर है, एक का नाम है केन्या, एक का नाम है युगांडा और एक का नाम है तंजानिया। तो विक्टोरिया झील तीन देशों की बाउंड्री पर है, एक का नाम है केन्या, ये रहा, ये है युगांडा और ये आपका तंजानिया, केन्या युगांडा और तंजानिया की सीमा पर विक्टोरिया। दूसरी बात आप देख रहे हैं यहां से, ये है विषुवत रेखा, ऐसा हमने मिला दिया इसको, एक झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, विश्व की एकमात्र झील जिसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, तो विश्व की एकमात्र झील जिसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है नाम है विक्टोरिया, क्या नाम है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की, भाई पहली कौन सी है, पढ़ा चुका हूं, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो सुपीरियर है। अब आप मुझे बताइएगा, यदि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, किस महाद्वीप में है, सॉरी किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप का नाम है उत्तर अमेरिका। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विक्टोरिया झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी, होगी या नहीं होगी। अब दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, विक्टोरिया जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विक्टोरिया जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यह है अफ्रीका की सबसे बड़ी होगी, यह अफ्रीका की तो सबसे बड़ी होगी, अफ्रीका की सबसे बड़ी, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और विश्व की कौन से नंबर की, तो विश्व की दूसरे नंबर की, क्योंकि विश्व की जो पहले नंबर की है, क्योंकि विश्व की जो पहले नंबर की उसका नाम सुपीरियर है और वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। इतनी बात समझे, तो विश्व की जो पहली सबसे, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर है, नॉर्थ अमेरिका में, और विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की उसका नाम विक्टोरिया है, अफ्रीका में। तो हमने इसके लिए एक और शब्द यूज कर लिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अफ्रीका की। अब यहां पर पहले देख लीजिएगा थोड़ा सा, विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, ऐसे बहती है, तो हम भी यहां से एक नदी निकाल देंगे, विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है श्वेत नील नदी। कौन सी नदी है, श्वेत नील नदी। यहां पर इथोपिया है, इथोपिया देश में, इथोपिया, इथोपिया देश में एक झील है, और इथोपिया देश में जो झील है उसका नाम है ताना झील। क्या नाम है, ताना। तो इथोपिया में जो ताना झील है वहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्लू नील नदी या नीली नील नदी, ब्लू नील नदी, ठीक ना। यहां पर है, ये है ब्लू नील नदी। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, जहां पे मिलती हैं, यहां पर सूडान की राजधानी खार्तूम है। विक्टोरिया झील जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है श्वेत नील नदी। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है श्वेत नील नदी। यहां पर इथोपिया में ताना झील है, और ताना, ताना है, ताना, ताना झील है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मिटा दे रहा हूं। यहां पर इथोपिया में एक झील है, झील का नाम क्या है, तो झील का नाम है ताना। झील का नाम क्या है, तो यहां पर एक झील है, झील का नाम है ताना झील, ताना झील, इथोपिया देश में। कौन से देश में, इथोपिया। यहां से जो नदी निकलती ब्लू नील, दोनों नदियां खार्तूम में मिलती हैं, और यहां से एक नई नदी बनती है, नई नदी का नाम है नील नदी। जो न्यू नदी बन रही है, इस नदी का नाम है नील नदी। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है नील नदी, नील नदी। नील नदी किन दो नदियों के द्वारा बनती है, तो नील नदी का जो निर्माण है वो दो नदियों के द्वारा हुआ है, एक का नाम श्वेत नील नदी, एक का नाम ब्लू नील नदी। कहां पर दोनों नदियां जाके मिलती हैं, तो दोनों नदियां जाके मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में, और वहां से नदी बनाती है नील। नील नदी यहां से बनने के बाद ऐसे जाती है, ऊपर कौन सा महासागर है, भूमध्य, कौन सा महासागर है, भूमध्य, और भूमध्य सागर में जाकर अपना डेल्टा बना देती है। इसी नील नदी के डेल्टा के समीप एक शहर बसा है, जहां पर हम लोगों को जाना था ट्रेन के माध्यम से, काहिरा। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, यहां से झीलों से होते हुए नदियों के माध्यम से काहिरा। तो यहां से फिर ये नदी मिस्र देश में पहुंचती है, और मिस्र देश में इसी नील नदी के क्षेत्र में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से एक नील नदी की सभ्यता मिस्र देश में विकसित हुई थी। जब नील नदी मिस्र देश में पहुंचती है, तो नील नदी पर मिस्र देश में एक झील निर्मित है और एक बांध है। तो मिस्र देश में इस नदी पर एक झील है और एक बांध है। तो पहले बांध, बांध का नाम है, चलिए पहले झील का नाम लिख दे रहा हूं, नासिर झील। एक झील है, झील का नाम क्या है, नासिर झील, और एक यहीं पर बांध बना है,
और इस बांध का नाम क्या है? तो बांध का नाम है असवान बांध। एक झील है, झील का नाम है नासिर झील, और एक बांध है, बांध का नाम है असवान बांध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी पर असवान बांध, असवान असवान बोले असवान असवान ए एस डब्ल्यू ए एन, असवान बांध एवं नासिर झील नील नदी पर किस देश में निर्मित है? तो आपको देश का नाम याद रखना है। किस देश में है? दोनों मिस्र देश में है। ये आपकी नील नदी और आपकी विक्टोरिया झील है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, एक बार और समझ लीजिएगा। जो विक्टोरिया झील है यह तीन देशों की सीमा पर है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। झील के ऊपर से एक रेखा गुजरती है, रेखा का नाम है विषुवत रेखा। यह है जो विक्टोरिया झील है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की तो दूसरे नंबर की है, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की पहली यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील भी है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील भी है। ये झील से एक नदी निकलती है और इस झील से जो नदी निकलती है इस नदी का नाम है स्वेत नील नदी। कौन सी नदी है? स्वेत नील नदी। इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। दोनों नदियां खार्तूम के समीप मिलती हैं और किस नदी का निर्माण करती हैं? तो नदी का निर्माण करती है नील। नील नदी आगे बढ़ती है और भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। इसी के डेल्टा के समीप इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र में इस नदी पर एक बांध बना है, बांध का नाम है असवान बांध, और एक झील है और झील का नाम क्या है? नासिर। ठीक ना? तो हम लोगों ने अपनी यात्रा की थी केप टाउन से प्रारंभ, केप कैरो रेल के माध्यम से कहां पहुंच गए? मिस्र की राजधानी काहिरा। तो इस वाला इस साइड का हमने पार्ट आपको समझा दिया है। अब हम लोग इस साइड चलेंगे, ऐसे घूमेंगे ऐसे, और कहां पहुंच जाएंगे? मोरक्को, जहां से हमने स्टार्ट किया था, एटलस पर्वत से। ठीक ना? तो आज की क्लास में यही रख लेते हैं। इसके आगे जब कल मिलते हैं तो यहीं से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। नामीबिया, अंगोला से होते हुए हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल के ऊपर कहां पहुंच जाएंगे? मोरक्को देश में एटलस पर्वत पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो आज यही रख लेते हैं, इसके आगे कल मिलिएगा, तो कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कल तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।